वन थिंग इज कि माधवन ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड एक्टर, ही इज ऑलवेज रेनाउंड फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स। माधवन सर का तो मैं पहले भी बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके बेटे का भी। और माधवन सर और दिया मिर्जा की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, हमने काफी सारी जोड़ियाँ देखी है। नेक्स्ट लेवल क्रेजी केमिस्ट्री, बिकॉज इट इज वन ऑफ द आई थिंक आइकॉनिक पेयर्स ऑफ इन दैट पर्टिकुलर मूवी एज वेल। उस टाइम पे लव प्योर हुआ करते थे, अभी लव क्या है कि आज के डेट में प्यार को एक धोखा बताया जाता है, कुछ ऐसा बना देते, लेकिन वो मूवी बहुत अच्छी थी, सुपर हिट मूवी थी। वो जरा जरा वो लगा रहा, बहुत मस्त गाना है, मैं कभी अपनी ट्यून भी लगा के रखा हूँ उसी गाने पे। मेरे हिसाब से तो सभी लोगों को जाना चाहिए और मूवी को देखना चाहिए। सो भाई फाइनली 23 साल बाद रहना तेरे दिल में मूवी दोबारा रिलीज करी, आज के दिन रिलीज हुई, तो कैसा लग रहा है, कितना एक्साइटेड हो? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी मूवी थी, मैंने बहुत पहले देखी थी ये, टीवी पर देखी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, अच्छी थी एकदम। उसके अंदर जो हीरो है उसने, मतलब मुझे लगता है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे वो मूवी अच्छी लगी, उनको ये मतलब केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, और मेरा सीरियसली रिव्यू ये था 4.5 4 दे सकते हैं। मे बी वो मूवी जब रिलीज़ हुई थी तब मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था, बट अभी रिलीज़ के टाइम पे मैंने देखी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। माधवन सर का तो मैं पहले भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके बेटे का भी, और वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं स्पोर्ट्स। बस मैंने कहा माधवन सर को देखा है, केमिस्ट्री दोनों को पहला आज लव स्टोरी बन नहीं रही है, लव स्टोरी के बारे में अभी क्या ऐसा जिसको दोबारा रिलीज़ कही जा रही है? उस टाइम पे लव प्योर हुआ करते थे, अभी लव क्या है कि अभी लव के टाइम पे मतलब अभी लव करते कि चीट हो जाता है, उस टाइम का लव अभी दिखाना चाहते लोगों को। बस यही सेम रिव्यू था उसका। अच्छा वही कि मतलब अभी वो ट्रू लव स्टोरीज मिलती नहीं है उसकी, उनकी तरह उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ऑन स्क्रीन, उससे मतलब आज के यूथ को इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर 5 में से रेट देना चाहते तो तुम कितना दोगे इस मूवी को? 4 4 आप कितना दोगे भाई? 5 out of 5। गाने के बारे में, आप गाने सुने उसके? जरा जरा बहता है, इतना फेमस गाना है। अच्छा सुना, अच्छा है वो भी, अच्छा है। हाँ वो भी अच्छा है, सुना है बहुत बार। हाँ हाँ बहुत बार सुना है। हाँ वो गाने सुनते हैं और उस गाने में एडिट करके डालेंगे तो वो बहुत मतलब बहुत अच्छा रिमिक्स बैठ सकता है उसका, तो ऐसा है। वाइब काफी अच्छी उस गाने की, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सो 30 अगस्त को रहना है तेरे दिल में रिलीज हुई है, आपको क्या लगता है रिलीज करने का क्या रीजन होगा? सी वन थिंग इज कि माधवन ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड एक्टर, ही इज ऑलवेज रेनाउंड फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स, एंड ही इज वन पर्सन दैट रीचेज आउट टू अ वाइड ऑडियंस। एंड ये मूवी स्पेशली ये एक लव स्टोरी है विच इज समथिंग दैट इज नॉट रियली कॉमन नाउ, ऐसे लव स्टोरीज तो अब मिलते ही नहीं है देखने के लिए, तो दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक इन वन वे, तो आई थिंक दिस विल गेन अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन अगेन बिकॉज पीपल विल स्टार्ट मूविंग, दे विल वॉन्ट टू वॉच मूवीज लाइक दिस अगेन। और एंड द सॉन्ग्स पर्टिकुलरली इतने सॉन्ग्स भी बहुत ही अच्छे है और विंटेज सॉन्ग है, तो लोगों को मतलब न्यू जनरेशन को वो मालूम नहीं है, उसके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो रिलीज कर रहे मूवी को, तो बहुत ही बढ़िया। एंड लाइक यू सेड विंटेज सॉन्ग्स है, हाँ, और अब का कल्चर इज मूविंग टुवर्ड्स रेट्रो राइट, सो इट विल सूट द जनरेशन मोर, और जो कपल सब रोमांस करते जा रहे हैं ये सब गाने उनको बहुत सूट करेंगे। आई थिंक द मूवी अगेन री रिलीज होने का दे विल गेट मोर अटेंशन टुवर्ड्स दैट। नेक्स्ट लेवल क्रेजी केमिस्ट्री, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द आई थिंक आइकॉनिक पेयर्स ऑफ इन दैट पर्टिकुलर मूवी एज वेल, इट्स वन आइकॉनिक पेयर, आई थिंक पीपल विल लव वॉचिंग देम अगेन इफ देयर मूवी टीम मेकिंग। या लाइक केमिस्ट्री, वी आर जस्ट प्लानिंग टू गो। या सो भाई फाइनली 23 साल बाद रहना है तेरे दिल में मूवी को दोबारा रिलीज़ किया है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मूवी भी बहुत अच्छा था, जो पहले रिलीज हुई थी मूवी वो फिर से रिलीज हो रही तो बहुत अच्छा लगेगा देख के लोगों को, और मैं चाहता हूँ काफ़ी से काफ़ी लोग देखें। हाँ। जो नहीं देख पाए थे पहले, पहले लोगों के घर में ना टीवी था ना कुछ भी था, अभी सबके घर पर सब चीज़ है, आप देख मूवी रिलीज हो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर से रिलीज होने दीजिए, देखेंगे सभी लोग। अगर आर माधवन और दिया मिर्जा की बात करूं, उनकी जोड़ी कैसी लगी आपको? आर माधवन सर और दिया मिर्जा की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, हमने काफ़ी सारी जोड़ियां देखी है, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, रेखा जी हो गए, शाहरुख खान हो गए, काजोल हो गए, बहुत सारी मूवियाँ देखी है, लेकिन बहुत अच्छी लगी वो जोड़ी। अगर दोनों की आपको एक्टिंग की बात करूँ तो एक्टिंग कैसा, क्या कहना चाहते? दोनों की एक्टिंग बढ़िया थी? एक्टिंग तो बहुत बढ़िया थी, अभी फिर से रिलीज होगी उससे भी अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बात करूँ अगर गानों के बारे में, तो गानों में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि इस मूवी के गाने बड़े फेमस हैं?
गाने तो सभी फेमस थे, जरा जरा से गाने तो बहुत अच्छा लगा सबको। ये गाना फिर से थोड़ा डबिंग होके आएगा तो और अच्छा लगेगा। ओके, अगर बात करूँ आप पर्सनली जब ये मूवी देखे तो आपको कितनी पसंद आई? बहुत पसंद आई, मूवी भी अच्छी थी, बहुत पसंद भी आई थी। ओके, अगर बात करूँ मूवी को स्टार देना चाहोगे, क्योंकि अगर दोबारा आपने देखी है तो अगर 5 में से स्टार देना चाहो अभी देखने के बाद तो कितना स्टार दोगे मूवी को? 4 स्टार देना चाहते हैं। 4 स्टार देना चाहोगे। अगर बात करूँ मूवी के बारे में तो मूवी में प्यार दिखाया गया, तो कैसा क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? आजकल का जो जनरेशन है उसके हिसाब से मूवी, उस जमाने मूवी को आज भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छी मूवी थी, पहले की मूवी है, बहुत पुरानी मूवी, अच्छी लग रही थी। चलो थैंक यू भाई। सो भाई फाइनली 23 साल बाद रहना है तेरे दिल में मूवी को दोबारा रिलीज कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय इस बारे में? रहना है तेरे दिल में तो मूवी तो काफ़ी अच्छी थी, और काफ़ी अच्छी मूवी थी मैंने तो देखा है। और उस टाइम पे कैसा है, लोगों के घरों में कम टीवियां होती थी और टीवियों का माध्यम भी नहीं रहता था। अभी जो है सभी के पास में यूट्यूब मोबाइल वगैरह सब चीज़ है और लोग देख सकते हैं, और बहुत अच्छी मूवी थी। मतलब देखने में से ऐसा, आज के डेट में प्यार को एक धोखा बताया जाता है, कुछ ऐसा बना, लेकिन वो मूवी बहुत अच्छी थी, सुपरहिट मूवी थी। मेरे हिसाब से तो सभी लोगों को जाना चाहिए और मूवी को देखना चाहिए, और बहुत ही अच्छी बढ़िया मूवी है। और उस मूवी से सीखने को भी मिलता है कि हमें किस तरह रहना चाहिए, और उसके बहुत ही मतलब जो सर की और मैडम की जोड़ी थी बहुत बढ़िया थी। आर माधवन और डी एम मिर्ज़ा की एक्टिंग और जोड़ी कैसी लगी दोनों? मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्टिंग किया, और बहुत ही अच्छा मतलब पिक्चर थी। और पिक्चर उस टाइम पे जब जिस टाइम पे रिलीज हुई थी, उस टाइम पे लोगों के घर पे उतना सुविधा ना होने की वजह से लोगों को नहीं उतना दिखाया गया। लेकिन मैं सबसे यही बोलूँगा कि आप एक बार जाके उस मूवी को देखें, बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत ही अच्छा। गाने के बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके तो सभी गाने फेमस थे, लेकिन उसका जो मुझे सबसे अच्छा गाना लगता है, जरा जरा बहकता है ये दिल तेरा बहकता है, वो गाना मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया और काफ़ी अच्छा लगा। और यही गाने के वजह से मूवी जो है सुपर डुपर हिट हुई थी, और ये गाना बहुत अच्छा लगा। मैं तो पूरे पाँच स्टार दूंगा, और सभी से ये बोलूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप एक बार जाके उस मूवी को दोबारा देखें, बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही शानदार क्रिएशन है उसका मूवी का। थैंक यू भाई। फाइनली 23 साल बाद रहना है तेरे दिल में मूवी दोबारा रिलीज हुई है। हाँ, आपने पर्सनली देखी, आपको किस कैसी लगी मूवी? मेरे को तो बहुत अच्छी लगी मूवी, काफ़ी बहुत अच्छी थी, मैंने देखा, बहुत अच्छी मूवी थी। बात करूँ 23 साल पहले निकली थी, तो क्या कारण है इसको, मतलब दोबारा इसको रिलीज किया, अच्छा किया, क्या लगता है आपको? पहले तो देखिए टीवी वगैरह कुछ था तो पहले उतनी अच्छी नहीं थी, पर इस बार जो अभी निकाली ये बहुत अच्छी मूवी, सबों के दिल में एकदम बैठी हुई है। गाने आपको कैसे लगे पिक्चर के? गाने मेरे को वो वाले तो पहले कुछ अलग रहे, जो ये गाना निकले ये बहुत अच्छा गाना है, मैं कभी अपनी ट्यून भी लगा के रखा हूँ इसी गाने पे। अगर बात करूँ जोड़ी की, बात करूँ जो उसमें आर माधवन दिया मिर्ज़ा की जोड़ी, वो जोड़ी आपको कैसे लगी? जोड़ी तो एक नंबर, जो उसका प्यार रहा मेरे दिल को बहुत खुश कर दिया है। अच्छा, हाँ, आज के जमाने की अगर प्यार को अगर उस प्यार से आप देखें तो क्या फर्क दिखता है? फ़र्क दिखता है वो प्यार बहुत अच्छा है आज के ज़माने में, उतना मतलब लोग कर सकते तो करेंगे नहीं, उसका तो अलग था प्यार कुछ। अच्छा, अगर आपने मूवी देखी 5 में से कितना स्टार देना चाहोगे मूवी को? मैं 4 दूंगा। 4 दोगे? हाँ। और जो ऑडियंस आ रही है उनको बोलना चाहोगे देखनी चाहिए? नहीं नहीं देखें, जरूर देखें, सबको ही देखें, मैं भी कल बोलूँगा सबको दिखाने के लिए, जरूर सबको ही देखें, अच्छी मूवी, बहुत अच्छी। धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई 23 साल बाद 2001 में निकली थी ये रहना है तेरे दिल में मूवी, दोबारा इसको 2024 में आज के दिन रिलीज कर गया, आपने पर्सनली भी देखा, आप बढ़िया लगी, क्या क्या राय है? पिक्चर बहुत अच्छी है, पिक्चर देखनी भी चाहिए, जो पहले की स्टोरीज है और अभी का जो पिक्चर रिलीज हुई बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए सब लोग को। अगर बात करूँ आपको आर माधवन और दिया मिर्ज़ा दोनों की जोड़ियाँ कैसी लगी है? जोड़ी दोनों की पहले से भी अच्छी और अभी भी बहुत अच्छी है। अगर बात करूँ अगर क्योंकि मूवी ज़्यादा मूवी में ज़्यादा प्यार मूवी प्यार मतलब लव स्टोरी की काइंड है उसमें, तो अगर आप लव स्टोरी देखे जाए इस मूवी में तो क्या आपको फर्क लगता है आज की लव स्टोरी में और उस जमाने की लव स्टोरी? उस जमाने की लव स्टोरी बहुत अच्छी है, आज की तो थोड़ा सा कम, मगर ये जो पिक्चर निकली है ना बहुत अच्छी पिक्चर है, और पब्लिक को भी सबको देखना चाहिए, फैमिली पिक्चर है, गाने भी इसमें अच्छे है, एक्टिंग भी अच्छा किया हुआ है, हर चीज़ एकदम परफेक्ट है। गाने आपको पसंद, कौन सा फेवरेट गाना है? वो जरा जरा वाला गाना बहुत मस्त गाना है। क्या बात कर रहा है, अगर आपने जब देखी आपको पर्सनली आपको ऐसा कुछ लगा कि क्या फर्क लगा आपको उस चीज़ों में, मतलब किस चीज़ में? जैसे अगर अगर आज की मूवी से कंपेयर करना चाहो, और वो क्योंकि ये मूवी बनी थी 2001 में और उस जमाने में ऐसी मूवी बनाना नामुमकिन था, आज की मूवी जो पहले की मूवीज और आज की मूवीज बहुत फ़र्क है, मगर ये पिक्चर बहुत अच्छी है, गाना अच्छा है, उसकी एक्टिंग अच्छी है, दोनों की जोड़ू अच्छी है, एकदम जोड़ी वगैरह फर्स्ट क्लास। लोग
आपको देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए, हम भी देखे तो और लोग भी देखे, हम कुछ आज का शो सुबह सुबह का देख के आए, सबको देखनी चाहिए। अगर 5 में स्टार देना चाहो तो कितने स्टार दोगे? 5 में से 4 दूंगा।